हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं अभी टेक चैनल, मेरा नाम है आगे बेग। तो दोस्तों, आज की वीडियो है BEL के बारे में, यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में। क्या बात है। इस वीडियो में हम जानेंगे BEL का इतिहास, कैसे इस कंपनी शुरू हुई, क्यों हुई और इसका मिलिट्री फील्ड में क्या योगदान रहा। तो ये सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ये वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आप सिर्फ एक ही चीज़ बोलेंगे, मज़ा आया। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और उसके बगल में जो बेल आइकन है वो भी दबा लें। दबा दिया, आगे बोलो। आइए देखते हैं बैठ कर मजा आएगा। भारत सरकार द्वारा सन 1954 में सैन्य क्षेत्र की विशेष चुनौतीपूर्ण आवश्यकताएं पूरी करने के लिए रक्षा मंत्रालय के अधीन BEL की स्थापना की गई थी। BEL का पूरा नाम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है। इसका हेड ऑफिस बेंगलुरु में है। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट सिस्टम का विकास और प्रोडक्शन देश में ही करने के उद्देश्य से इसकी पहली फैक्ट्री बेंगलुरु में लगाई गई थी। आज यह अपनी 9 प्रोडक्शन यूनिट, कई सारे रीजनल ऑफिस और रिसर्च और विकास प्रयोगशालाओं से युक्त सार्वजनिक क्षेत्र की एक बहुत बड़ी कंपनी है, जिसे अपने व्यावसायिक प्रदर्शन के लिए भारत सरकार द्वारा नवरत्न इंडस्ट्री का दर्जा प्राप्त हुआ है। BEL का एक जॉइंट वेंचर सन 1977 में जनरल इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल सिस्टम के साथ स्थापित हुआ था, जिसमें पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट के लिए एक्सरे ट्यूब, डिटेक्टर मॉड्यूल सहित CT सिस्टम के लिए हाई वोल्टेज टैंक जैसे कंपोनेंट बनते हैं। दूसरा जॉइंट वेंचर मल्टीटोन UK से मिलकर BEL मल्टीटोन नाम से बनाया गया था, जिसमें कार्यस्थलों के लिए यूजफुल अल्ट्रा एडवांस मोबाइल कम्युनिकेशन टूल्स और डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम बनाए जाते हैं। स्थापना से आज तक निरंतर प्रॉफिट कमाने वाला सरकारी क्षेत्र की यह कंपनी मिलिट्री फील्ड के अलावा अन्य नागरिक क्षेत्र को भी अपने व्यवसायिक कौशल का लाभ प्रदान करने में पीछे नहीं रहा है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री होने के दौरान में दूसरे परमाणु परीक्षण के विरोध में ग्रुप 20 के सदस्य देशों ने भारत पर जो आर्थिक और तकनीकी संबंधी प्रतिबंध लगाए, BEL को मिलिट्री मटेरियल इंडस्ट्री होने के नाते उन प्रतिबंधों की वजह से बहुत ही बड़ा नुकसान झेलना पड़ा था। लेकिन उन प्रतिबंधों का पॉजिटिव इफेक्ट भी हुआ। BEL ने स्वदेशी तकनीक के विकास की गति को तेज करने पर अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया था। देश में ग्लोबलाइजेशन की नीति के बाद अपनी कुशल मैनेजेरियल एबिलिटी और कमिटेड पर्सनल टीम के बल पर विकसित देशों की कंपनियों से कंपटीशन में भी अभी तक BEL सफल रही है। BEL सेना के लिए रडार, कम्युनिकेशन सिस्टम, नवेल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर सिस्टम, टेली कम्युनिकेशन, ऑडियो विजुअल ब्रॉडकास्टिंग, टैंक इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर फोटोवोल्टेक सिस्टम, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर और भी कई सारे जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आधारित प्रोडक्ट हैं वो हमारी सेना को प्रदान करती हैं। BEL ने समय समय पर भारतीय तेल निगम, भारतीय रेलवे, दूरदर्शन, मौसम विभाग और भी कई अन्य क्षेत्र के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का निर्माण किया है। सिविल उत्पाद में EVM और पावर ट्रैफिक साइन, कंप्यूटर सेटअप बॉक्स और भी कई सारे डिवाइसेस का उत्पादन किया है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि BEL ने एक कम लागत का टैबलेट भी बनाया है, जिसका उपयोग भारत की जनगणना 2011 के अंतर्गत सोशियो इकोनॉमिक जाति जनगणना वाले चरण में किया जा रहा है। बात करते हैं इसके ओनरशिप की, तो ओनरशिप में BEL का 66% शेयर केंद्र सरकार का है और 14% शेयर म्यूचुअल फंड एंड UTI का है और 6% शेयर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का है और 5% शेयर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का है और 4% शेयर बीमा कंपनियों का है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने कंप्यूटेड टेमोग्राफी, स्कैन सिस्टम और एक्सरे ट्यूब
के एडवांस लेवल के लिए हाई वोल्टेज टैंक और डिटेक्टर मॉड्यूल के निर्माण के लिए जनरल इलेक्ट्रिक यूएस के साथ एक जॉइंट वेंचर स्थापित किया है। कंपनी सोलर फोटोवोल्टिक कंपोनेंट को बनाने के लिए एक जॉइंट वेंचर स्थापित करने के लिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि BHEL के साथ जुड़ने की प्रक्रिया में है। BHEL के ऊपर हमने एक वीडियो बनाई हुई है, आप चाहें तो आई के बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उसका लिंक दिया है, उस पर जाकर आप BHEL की वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद मज़ा आया तो यार लाइक करो इस वीडियो को, और सब्सक्राइब नहीं करा है हमारे चैनल को तो अभी सब्सक्राइब करो। दबा दिया, आगे बोलो। और बगल में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को भी दबा दो ताकि हम कोई भी नई वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, और मेरा जिक्र करना है तो सब्सक्राइब जरूर करना। कीप लविंग, कीप शेयरिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड बाय।